नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। एक साल की कड़ी मशक्कत के बाद पश्चिम जिले की स्पेशल स्टाफ की पुलिस टीम ने ख्याला मर्डर केस में भगोड़ा घोषित अपराधी दर दबोचा। साल 2021 के मर्डर केस के इस फरार अपराधी का नाम योगेश उर्फ योगी निवासी B178 रघुबीर नगर और उम्र 29 वर्ष है। इस केस में कोर्ट ने इसे भगोड़ा घोषित कर रखा था। पश्चिम जिला के DCP घनश्याम बंसल के मुताबिक 31 जनवरी जिले के स्पेशल स्टाफ को गुप्त सूचना मिली थी कि हत्याकांड में वांछित अपराधी योगेश उर्फ योगी अपनी पत्नी व मां से मिलने रघुबीर नगर आएगा। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर दोपहर करीब 2 बजे उसे उसके रघुबीर नगर स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। DCP के अनुसार 1 नवंबर 2021 को बदमाशों के दो गैंग के बीच इलाके में धाक जमाने को लेकर गैंग वॉर हुई थी। ख्याला थाना क्षेत्र के रघुबीर नगर में शंटी बंटी गैंग के लोगों ने विरोधी गैंग के जसकरण उर्फ लिटिल पर हमला कर दिया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में दोनों गैंग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने शंटी बंटी गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 5 फरार चल रहे थे, जिन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। बाद में यह मामला स्पेशल स्टाफ को स्थानांतरित कर दिया गया था। वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए ACP ऑपरेशंस अरविंद कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह, मंजीत और सुखबीर, हेड कांस्टेबल मोहित नरेंद्र, संदीप फैली राम और अनिल कुमार तथा कांस्टेबल संदीप की समर्पित टीम का गठन किया गया था। टीम ने कार्रवाई करते हुए फरार प्रेमचंद उर्फ रवि उर्फ बिल्ली, सचिन मनचंदा उर्फ बंटी, हनी और निखिल उर्फ विनय को गिरफ्तार कर लिया था। मात्र योगेश ही फरार चल रहा था, अब उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।